दोस्तों, हमें रेगुलरली न्यूज़ और सोशल मीडिया पे सरकार के न्यू लॉज़ और न्यू एक्ट्स के बारे में सुनने को मिलता रहता है। सरकार अब ये पॉलिसी लाई, अब ये नया एक्ट पास हुआ। जैसे आजकल आपको सुनने को मिलेगा, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन एक्ट लाने जा रही है और कश्मीर मुद्दे पे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है। लेकिन कई बार कुछ लॉज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे कि सरकार ये एक्ट क्यों ला रही है, किस लिए ला रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि क्यों हमारे कंट्री में कई बार आइडियाज़ को लॉज बनने में इतना टाइम लग जाता है? अपने देश में लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है? तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हमारे देश में कोई कानून बनता कैसे है। कानून बनता कैसे है ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कानून बनाता कौन है। कानून बनाने की पावर होती है उनके पास जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट करके चुनते हैं, यानी स्टेट में विधायक यानी MLAs और सेंटर में सांसद यानी MPs। स्टेट में डायरेक्टली इलेक्टेड MLAs विधानसभा में बैठकर लॉज बनाते हैं और सेंटर में MPs पार्लियामेंट में बैठकर लॉज बनाते हैं, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे हम डायरेक्टली वोट डालकर इलेक्ट करते हैं, जैसे अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। राज्यसभा जो इनडायरेक्टली चुनी जाती है। अब दो गवर्नमेंट हैं तो इनके पास लॉज बनाने की पावर भी अलग अलग होती है, लेकिन पार्लियामेंट हमारी कंट्री की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, बिकॉज उसके लॉज पूरी कंट्री पे लागू होते हैं। और ये ऑब्वियस है, एक पर्टिकुलर स्टेट की विधानसभा के लॉज सिर्फ उसी स्टेट में लागू होते हैं। इस चीज़ को ब्रीफली मैंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के Schedule 7 में। यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, रेलवेज, फॉरन ट्रेड एसेट्रा। स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स एट्सेट्रा। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है, जैसे एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। अब बात करते हैं लॉ बनने का प्रोसीजर क्या है। लॉ बनने का प्रोसीजर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में सिमिलर सा होता है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग प्रोसेस समझते हैं। किसी भी लॉ की शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड, पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी कम्युनिटी एट्सेट्रा से। फिर उस आइडिया को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बिल, जिसमें लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बिल पेश किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये बिल बन जाता है एक्ट। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, यानी IAS ऑफिसर्स का, जो इन लॉज को हमारी लाइफ में लागू करने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। हम यहाँ समझ सकते हैं IAS ऑफिसर्स का काम सिर्फ इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का होता है। मेन जो इसमें प्रोसीजर होता है वो होता है इसमें बिल टू एक्ट बनने का। एक बिल से एक्ट बनने के प्रोसेस से पहले हम थोड़ा बिल के बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली दो तरह के बिल होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है, जो मिनिस्टर्स द्वारा पेश किया जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर पेश करता है डिफेंस का बिल और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है फाइनेंस का बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करते हैं नॉन मिनिस्टर MPs। जनरली ये अपोजिशन द्वारा पेश किया जाते हैं। तो बेसिकली चार टाइप के बिल पार्लियामेंट में पेश होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए होता है। मनी बिल, जिसमें मनी से रिलेटेड बिल्स होते हैं, जैसे सरकार को कोई लोन लेना है या फिर टैक्स रिलेटेड बिल्स। फाइनेंस बिल, जिसमें मनी से रिलेटेड टॉपिक तो होता ही है, इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा एडिशनल टॉपिक होता है। इनके अलावा जो टॉपिक्स रह गए वो आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। मनी बिल एंड फाइनेंस बिल ऐसे बिल हैं जो इनिशियली सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकते हैं। अब हमें बेसिक आइडिया तो लग गया कि लॉ कैसे बनता है, कौन पास करता है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक्ट को लॉ बनने तक पार्लियामेंट में कितनी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए इन स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है एक ऑर्डिनरी बिल। अब इनिशियली ये बिल किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है। तो सबसे पहली स्टेज आती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी हेडिंग एंड मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे। बिल पेश करने के बाद फिर वो आ जाएगा सेकंड स्टेज में, यानी डिस्कशन स्टेज। इस स्टेज में बिल के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होंगे, उसमें चेंजेस किए जाएंगे डिस्कशन के थ्रू एंड देन इंटरनल वोटिंग के थ्रू। बेसिकली इस स्टेज में बिल को शेप किया जाएगा और फाइनली मॉडिफाइड बिल आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, जो है थर्ड रीडिंग। इस रीडिंग में फाइनल वोटिंग की जाएगी और डिसाइड किया जाएगा कि बिल पास करना है या नहीं। अगर यहाँ पे बिल सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता है तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर बिल को सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है तो बिल चला जाएगा अगली स्टेज में, यानी पास कर दिया जाएगा दूसरे हाउस में, यानी राज्यसभा में।
अब राज्यसभा में वही तीनों स्टेजेस फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग तीनों रिपीट होंगी, और थर्ड रीडिंग के बाद अगर राज्यसभा ने बिल में कोई चेंजेस किए हैं वो वापस फिर चला जाएगा लोकसभा में रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा उस बिल को पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी से बिना किसी चेंजेस के, तो फिर वो बिल चला जाएगा प्रेजिडेंट के पास और प्रेजिडेंट उसे अपना एसेंट देकर एक्ट बना देगा और हमारा बिल फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्ट में, यानी लॉ में। इसके अलावा अगर किसी भी सिचुएशन में दोनों हाउसेज में बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाते हैं और दोनों हाउसेज साथ बैठकर बिल को पास करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है बेसिकली एक लॉ बनने का प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करते रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन दबाओ रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। देखते रहिए बेसिक ज्ञान।